डस्ट, मिट्टी। हेलो वेलकम गाइस, कैसे आप सब लोग। तो आज मैं अपने बाइक को वॉश करने वाला हूँ। बहुत गंदी हो रखी है बाइक और मैं ये घर में ही वॉश करूँगा अपने। तो आपको दिखाता हूँ कि बाइक की क्या हाल हो रखी है। तो गाइस सबसे पहले देख सकते हैं कि आप इंजन के नीचे जो ये स्पेस होता है यहाँ पे काफ़ी सारा डस्ट जो है जमा हो चुका है। इसी तरीके से गाइस आप देख सकते हैं कि चेन पे भी काफ़ी डस्ट जो है जमा हो गया है। और इसकी अगर अलॉयज की बात करें तो ये भी पूरा डस्ट पार्टिकल से ढका हुआ है। बाकी इंजन के नीचे में जो है काफ़ी कीचड़ वगैरह है और बाइक बहुत गंदी हो चुकी है। बहुत बुरी हाल है बाइक की। तो आज इसे वॉश करेंगे नॉर्मल। मैं अपने घर पे जो ये नल पे एक मैंने पाइप लगा दिया है उसी के थ्रू मैं वॉश करूँगा इसको। तो गाइस सबसे पहले हम करेंगे चेन क्लीन। चेन क्लीन करने के लिए अब मेरे पास चेन क्लीनर जो ब्रश आता है वो तो है नहीं, तो मैं जो नॉर्मल टूट ब्रश आता है उसी से करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आपको दिखाते हैं कैसे करना है। तो गाइस मैंने बाइक को अपनी स्टार्ट कर दिया चेन क्लीनिंग के लिए। तो सबसे पहले इसे स्टार्ट करने के बाद फर्स्ट गियर में डालेंगे मेन स्टैंड पे लगा के। उसके बाद आपको क्या करना है, ये मेरे पास एक पुराना जो है ब्रश है, टूट क्लीनिंग ब्रश। इससे आपको चेन के आप देखेंगे इस साइड में ऐसे लगाना है। तो गाइस आप देख सकते हैं कि चेन काफ़ी हद तक क्लीन हो चुका है और नीचे देखेंगे काफ़ी सारा जो है डस्ट पार्टिकल जो चेन पे जमा था वो नीचे गिर गया है। तो गाइस बाइक वॉश करने के लिए आपको सर्फ़ यूज़ नहीं करना है बिल्कुल भी, आपको शैम्पू यूज़ करना है। और शैम्पू यूज़ करने के टाइम भी जो है आप ध्यान रखेंगे आपके पास दो टाइप के क्लोथ होने चाहिए, एक कॉटन क्लोथ होने चाहिए, एक माइक्रोफाइबर क्लोथ होने चाहिए। कॉटन क्लोथ जो है आप इंजन पे, साइलेंसर पे और बाकी अदर पार्ट्स पे यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस आपको माइक्रोफाइबर यूज़ करना है टैंक क्लीन करने के लिए। उसके बाद जो ये फ्यूल इंजेक्शन का जो ऊपर का कवर है वो यूज़ करने के लिए माइक्रोफाइबर यूज़ करना है आपको। ये जो कंपार्टमेंट दिया रहता है एयर फिल्टर का और एक्सेसरीज़ का, इसको भी आपको माइक्रोफाइबर से यूज़ करना है। बाकी पीछे मडगार्ड हो गया वो, उसको भी आपको माइक्रोफाइबर से यूज़ करना है, क्लीन करना है। और टैंक पे बाकी जो भी सेंसिटिव पार्ट है आपको दिख जाए, पता लग जाएगा मैट ब्लैक के, उसको आपको माइक्रोफाइबर से ही क्लीन करना है। बाकी जो थोड़ा रफ़ पार्ट होता है जैसे इंजन का जो पेंट होता है थोड़ा रफ़ होता है तो इसको आप कॉटन क्लोथ से साफ़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो गाइस आपको जो है जो बाइक का सेंसिटिव पार्ट है जो मैट ब्लैक है उसको आपको माइक्रोफाइबर क्लोथ से साफ़ करना है। ये मेरे पास माइक्रोफाइबर क्लोथ है, ठीक है। इसे आप जो आपने जो अभी शैम्पू यूज़ किया हुआ था जो रफ़ पार्ट को साफ़ करने के लिए, उसमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, उसमें बिल्कुल भी नहीं भिगोना है। इसे आप क्या कीजिए अलग से इसको पहले भिगा लीजिए। ये मेरे पास मेरा माइक्रोफाइबर क्लोथ है,
जब ये बाइक सूख जाएगी तो फिर हम इस पर यूज़ करेंगे मैट ब्लैक पॉलिश, उसके बाद हमारी गाड़ी जो है रेडी हो जाएगी। तो गाइस गाड़ी सूख गई है, मैंने इसके ऊपर पॉलिश भी मार दिया है, काफ़ी सही लग रही है। तो इस तरीके से आप अपने मैट बाइक को जो है घर में वॉश कर सकते हैं। सो आई होप गाइस कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले चैनल को, ताकि ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस आप देख सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। I'm not afraid of the dark.